और डिस्क वगैरह की बात करें तो अभी इसमें डिस्क नहीं आया है, डिस्क आता है इसमें? नहीं नहीं कॉम्बो ब्रेक। अच्छा कॉम्बो ब्रेक आता है इसमें, तो इसमें हो गया पहले लाइट आपकी एग्रेसिव रहती, अब ये पहले तो बहुत छोटी करती गई है। अच्छा पहले बड़ी आती थी इसमें? हाँ जी पहले इसमें बड़ी आती थी। तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं तो इसमें आपको फ्यूल इंजेक्टर मिलेगी, FI लॉन्च कर दी गई है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं FI का लोगो लगा हुआ है यहाँ पर। हेलो गाइस वेलकम बैक टू प्रो बाइकर 150 चैनल। सो गाइस क्या हाल है आपके, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे अच्छे होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों बात कर रहे हैं आज पैशन प्लस की। पैशन प्लस एक नई बाइक लॉन्च हुई है हीरो की, जो कि अभी जल्दी में लॉन्च करी है कंपनी ने। तो दोस्तों मैं उसका कंप्लीट ब्लॉग शूट करने वाला हूँ, पूरी इसकी डिटेल बताने वाला हूँ इस ब्लॉग में कि उसमें क्या कलर ऑप्शन मिलेंगे आपको, क्या कंपनी ने उसमें फीचर ऐड किया हुआ है, उसका लेने का बेनिफिट क्या है। तो मैं अभी हीरो के शोरूम जा रहा हूँ, तो शोरूम पे पहुँच के आपको वो बाइक दिखाऊंगा। तो दोस्तों नई बाइक लॉन्च हुई है, बीच में क्या हुआ था कि पैशन प्लस जो है बाइक को बंद कर दिया गया था किसी वजह से, अब ये रीज़न तो मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, लेकिन कंपनी ने इसको रीलॉन्च करा है, दोबारा से इसको लॉन्च करा है। तो इसमें कुछ मतलब हालांकि चेंज तो करे होंगे, देखो सीधी सी बात है कि इसमें फुल चेंजेस करे होंगे, तो वो सारी चीज़ें डिटेल जो है यहाँ शोरूम पे पहुँच के जानेंगे। तो दोस्तों मैं देखो शोरूम आ ही चुका हूँ, ये मेरे सामने आप देख सकते हैं हीरो का शोरूम है, अंदर चलते हैं। मैं सब तो दोस्तों मैं शोरूम आ चुका हूँ, नाम दिखा देता हूँ, ये साहिब हीरो के नाम से शोरूम है, अंदर चलते शोरूम के। हाय ब्रो कैसे हैं, अपना नाम बताओ पहले तो। मोहम्मद मेहता। आप तो दोस्तों पैशन प्लस की मैं बात कर रहा था, तो मैं आपको पहले कुछ इसके सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों मैंने आपको बाइक के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स दिखाए हैं, तो आप देख सकते हैं कंपनी ने इसको रीलॉन्च करा है, बीच में ये बंद हो गई थी, पैशन प्लस जो है इसको रीलॉन्च करा गया है। तो कलर वगैरह की बात करें तो कलर इसका बहुत ही यूनिक सा कलर है, बहुत ही अच्छा कलर दे रखा है, रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। बाइक कुछ देख सकते हैं दिखने में बहुत ही मतलब स्टाइलिश बाइक बनाई है अब जो इसको रीलॉन्च करके कंपनी ने, ये देख सकते हैं आप खूबसूरती देखें तो बाइक यहाँ बहुत ही लाजवाब दिख रही है। तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं तो इसमें आपको फ्यूल इंजेक्टर मिलेगी, FI लॉन्च कर दी गई है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं FI का लोगो लगा हुआ है यहाँ पर। बाकी तो गाड़ी यार काफ़ी मतलब अच्छी है, और ग्राफिक्स वगैरह की बात करें तो ग्राफिक भी काफ़ी मतलब स्टाइलिश दे रखी है, आप देख सकते हैं साइड में ब्लैक और ये उसका रेड का कॉम्बिनेशन करा हुआ है, मडगार्ड वगैरह की चमक देख सकते हैं यार, मतलब कलर वगैरह जो है वो काफ़ी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ स्पॉकर पे, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इस चीज़ को अभी मैं भैया से बात करूँगा कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अभी इसकी सारी जो डिटेल है ना तो वो भैया बताने वाले हैं, तो मैं पहले भैया से बात करता हूँ, भैया को बुलाता हूँ वीडियो में। हाय ब्रो बढ़िया कैसे हो, बहुत अच्छे हैं। तो नाम बताइए सबसे पहले अपना। मोहम्मद मेहताब। तो मेहताब भाई हमें बताने वाले हैं इस बाइक के सारा रिव्यू वो करने वाले हैं, तो सारी डिटेल जो है मेहताब भाई बताएंगे। तो मेहताब भाई हमारी ऑडियंस को बताइए इस पैशन प्लस के बारे में, इसमें क्या क्या फीचर हैं जो हमारी ऑडियंस जानने के लिए बेताब है और इसको खरीदना चाहती है, तो बताइए इसके बारे में। सबसे पहले तो सर इसमें जो आया है सेंसर आए हैं, सेंसर आए हैं, तो सेंसर आप मेरे को दिखाएं कौन सा सेंसर। एक तो ये रहा आपका सिलेंडर का हो गया और दूसरी साइड में आपका इधर हो गया। हाँ बताएं। दूसरा सेंसर ये वाला हेड का हो गया आपका। अच्छा ये वाला ये हो गया, तो सेंसर का बेनिफिट बताइए मेहता भाई। सर ये होता है कि आपकी गाड़ी जो हीटिंग पे होती है वो पोल्यूशन के लिए होती है उसको कंट्रोल करना। अच्छा अच्छा। और दूसरा चीज होता है सबसे मेन चीज, गाड़ी में अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो सेंसर से पता लगता है कितना क्या दिक्कत है, कितनी क्या दिक्कत है। अच्छा दूसरा हो गया आपका स्पीकर जो हो गया, जो पहले पैशन प्रो के आया करते वो सब चेंज कर दिए हैं, मतलब ग्राफिक जो है पूरी चेंज कर दी गई है। ये पूरी ग्राफिक पूरी ये बिल्कुल लेटेस्ट मतलब नए जमाने के हिसाब से बनाया इन्होंने, देख सकते हैं दोस्तों ग्राफिक्स वगैरह जो है पूरी चेंज कर दी गई है जैसे कि भैया ने बताया मेरे को। दूसरा सर हो गया आपका माइलेज का बहुत अच्छा हो गया, 60 से 65 का माइलेज आराम से निकालती है। 60 से 65 का कार लीटर वाली जो थी उसमें थोड़ा दिक्कत था, वो चलने के बाद में थोड़ा दिक्कत करने लग जाती, अब ये इंजेक्टर में आ रही है और माइलेज बिल्कुल ठीक आता है, माइलेज ठीक आता है इसका, 60 से 65 का माइलेज है इसके अंदर निकालती है, ठीक है। सबसे और
पॉइंट हो गया, तब से आपका मीटर हो गया, मीटर हो गया, मीटर वैसा था इसका, अब मीटर हो गया इसका डिजिटल में, डिजिटल में हो गया है। हाँ जी सर, और आपकी ये आगे की पूरी वो चेंज कर दी गई है, हेडलाइट वगैरह जो है, पैरिंग वगैरह जो आगे की होती है, वाइजर हो गया, पहले लाइट आपकी आ रही थी वैसी, अब ये पहले पहले तो बहुत छोटी कर दी गई है। अच्छा, पहले बड़ी आती थी इसमें। हाँ जी, पहले इसमें बड़ी आती थी और वाइजर तो छोटा कर दिया, छोटा कर दिया गया है। और पीछे की ब्रेक लाइट जो आती है वो भी पहले बड़ी आ रही थी, इसको पहले से बहुत छोटा कर दिया, इसको भी छोटा कर दिया गया है। तो मतलब कुल मिला के बाइक को जो है थोड़ा सा नए जमाने के हिसाब से थोड़ा सा बाइक को चेंज करके स्टाइलिश बनाने की कोशिश करी गई है। कि क्या होता है कि देखो हर किसी का बजट नहीं होता स्पोर्ट बाइक लेने का, तो इस बाइक में थोड़ा सा चेंजेस करके इसको लुक दिया है एक प्यारा सा कंपनी ने, जो मतलब पहले के मुकाबले जो अब जो आ रही है ना बाइक वो काफ़ी मतलब अच्छी दिख रही है। पहले इतनी वो मतलब स्टाइलिश नहीं थी, लेकिन अब जो बाइक बनाई है ना इन्होंने वो काफ़ी मतलब स्टाइलिश बना दी है और काफ़ी लुक वाइज मतलब बहुत प्यारी बाइक बनाई है। तो हर चीज़ मतलब आगे से हेडलाइट भी छोटी कर दी गई है, पीछे से पीछे की हेडलाइट भी छोटी कर दी गई है जो मतलब बैक मडगार्ड पे लगी होती है। तो देख सकते हैं इंडिकेटर वगैरह की बात करें तो ये इंडिकेटर कैसे मिलेंगे इसमें? इंडिकेटर पहले जैसे ही है सर, पहले जैसे ही आ रहे हैं वो पहले के। अच्छा, और जी आपका सबसे बड़ा चीज है इंजन का, इंजन का इंजन को थोड़ा चेंजिंग में करके भेजा है। अच्छा, चेंज कराया इन्होंने, जो कंपनी ने इंजन चेंज किया है इधर से भी उधर से भी, अंदर भी थोड़ा फ्यूचर चेंज किया है इंजन में, बहुत बढ़िया है, पहले वाली से बेहतर है। पहले आया गया था पैशन प्लस का नॉर्मल मॉडल। अच्छा, पैशन प्लस का सेल्फ में करके भेजा है, सेल्फ में करके भेजा है कंपनी ने। पहले किस्म आया गई थी पैशन प्लस, अब ये प्रो के रूप में भेजा है, प्रो में आ रही है। पहले प्लस आती थी, पैशन प्लस आती थी पहले, अब प्रो आ रही है, किस में आती थी अब प्लस में, प्रो के रूप में। फीचर होते हैं ये सारे। तो मेहताब भाई, तो इसकी यार अगर प्राइसिंग वगैरह की बात करी जाए तो ये ऑन रोड प्राइस क्या पड़ेगा और इसका एक्स शोरूम प्राइस कितना होगा ये आप बताइए। ये सर ऑन रोड प्राइस पड़ेगा आपको 94,600। 94,600। हाँ जी सर। एक्स शोरूम प्राइस, शोरूम पड़ेगा ये आपको 87 के आसपास पड़ेगा, 87। तो दोस्तों एक्स शोरूम प्राइस भैया ने बताया कि 87,000 कुछ है और जो आपका ऑन रोड प्राइस है वो 94,600 है। देखो क्या होता है कि एक्स शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। पता है क्या होता है कि जैसे जो हमारा एक्स शोरूम प्राइस जो होता है ना, तो कंपनी जब उसको रोड पे उतारती है तो उसमें मतलब टैक्स वगैरह लगाती है गवर्नमेंट, जो मतलब उसकी वजह से जो है गाड़ी का प्राइस जो है थोड़ा सा मतलब बढ़ जाता है। जो मतलब कंप्लीट होके आपको गाड़ी मतलब रोड पे मिलती है उसमें यह है कि कोई भी दिक्कत नहीं रहती कि आप उसे रोड पे ले जा सकते हैं, उसमें कोई टैक्स वगैरह अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। जो सारी फैसिलिटी वगैरह होती है ना वो मतलब आरटीओ आपको पहले से ही करके देती है, जो जब भी इसका ऑन रोड प्राइस जो है वो बढ़ के आता है। तो इसके इंजन की सीसी की बात करी जाए तो इसका कितने सीसी का इंजन है? 100 सीसी का इंजन है इसमें और माइलेज आपकी 60 से 65 के अराउंड निकलती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं भाई, भैया ने बाइक दिखाई है पैशन प्लस और इसमें जो 100 सीसी का इंजन है और माइलेज वगैरह की बात की जाए तो यार माइलेज इसमें 65 का आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों माइलेज यार आज के दौर में यार देखो सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है तो मेरे ख्याल से माइलेज की है, क्योंकि पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है 100 रुपये लीटर में और ये 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलेगी गाड़ी आपको, मतलब 65 किलोमीटर 100 रुपये में चल जाएगी गाड़ी। वरना यार अगर आप नॉर्मल बाइक वैसे हैवी बाइकें लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि माइलेज नहीं देखी जाती, क्योंकि उन गाड़ियों की माइलेज होती है 25-30 ज्यादा से ज्यादा 35, इससे ज्यादा नहीं। आपको इसमें डबल का फायदा हो रहा है, देखो 100 सीसी की बाइक में आपको 65 का माइलेज मिल रहा है और वो भी हीरो का भरोसा है यार। हीरो की मतलब बात ही अलग है कि दुनिया जानती है यार हीरो की बाइकें कैसी होती है, आपको भी पता ही होगा क्योंकि आपने भी ज्यादातर हीरो वगैरह चलाई होंगी, स्प्लेंडर चलाई या पैशन चलाई या जो भी हीरो की बाइक है। तो दोस्तों बाइक को बहुत ही अच्छा मतलब चेंज करा गया है और ये इसमें जो एफआई कर दी गई है इसमें किक नहीं है, किक ऑप्शन किक भी मिल रही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किक भी है और इंजेक्टर वाली, ये दोनों इसमें ऑप्शन है आपके पास में। और डिस्क वगैरह की बात करें तो अभी इसमें डिस्क नहीं आया है, डिस्क आता है इसमें? नहीं नहीं, कॉम्बो ब्रेक। अच्छा, कॉम्बो ब्रेक आता है इसमें, तो इसमें अभी डिस्क नहीं आया है, ये अभी नॉर्मली है। अगर बाई चांस आगे चल के 2024 में डिस्क वगैरह अगर अपडेट होती है तो मैं उसका भी एक ब्लॉग बना लूंगा अगर डिस्क में आती है तो। तो दोस्तों इसका अगर कलर वगैरह की बात करी जाए, कलर ऑप्शन की बात करी जाए तो इसमें कलर ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे। इसमें देखो चार कलर आते हैं, एक तो आता है ब्लैक ब्लू का कलर आता है, एक आता है ब्लैक एंड ग्रे का कलर आता है और एक आता है ये आपके सामने खड़ा ही है रेड कलर आता है और एक आता है रेड एंड ब्लैक आता है। तो अभी मैंने आपको रेड कलर दिखाया था, मैं एक कलर और दिखा दूँगा आपको यहाँ पर, तो आप ये देख सकते हैं ये है मेरे सामने ब्लैक एंड ग्रे,
ब्लैक एंड ग्रे इस टाइप का कलर आता है, और इसमें दो मतलब चार कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों जो भी आपकी कलर चॉइस है वो आप शोरूम पर आके भैया से ले जा सकते हैं बाइक को। तो देख सकते हैं दोस्तों आपने बाइक देख ली यार, बाइक का मतलब काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप इसके बारे में अगर सोच रहे हैं तो मैं आपको शोरूम का एड्रेस डाल दूंगा, भैया का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप भैया से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जहाँ का भी शोरूम है अगर आप इनके आसपास रहते हैं तो विजिट कर सकते हैं यहाँ पे, आप कॉन्टैक्ट पे भी डिटेल ले सकते हैं भैया से इसके बारे में, वो आपको बता देंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि आपको ये बाइक कैसी लगी। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।